हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आपके 12th हिंदी व्याकरण के 6 अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। यानी कि 6 टॉपिक के हम टोटल 18 क्वेश्चन देखेंगे। एक टॉपिक के मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, टोटल आपको 18 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां, उसके बाद हमारा संधि विच्छेद, उसके बाद है हमारा शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। ठीक है, इन सभी टॉपिक के हम क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के पढ़ेंगे। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन हम एक टॉपिक के पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि आस्तीन का सांप, तो आपको करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्तियों में लिखा रहता है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले अर्थ लिखना है। तो देखिए, आस्तीन का सांप, इसका अर्थ होगा कपटी मित्र, कपटी मित्र। ठीक है, अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं। पहले आपने अर्थ लिखा, अब यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे। तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने राजेश से कहा था, मैंने राजेश से कहा था कि महेश आस्तीन का सांप है। ठीक है, आस्तीन का सांप है। ठीक है, मगर वह सावधान ना हुआ, मगर वह सावधान ना हुआ। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग में आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है, जैसे यहां पर है आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप जो क्वेश्चन है वो आपके वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर है, मैंने राजेश से कहा था कि महेश आस्तीन का सांप है, मगर वह सावधान ना हुआ। तो देखिए, जो आस्तीन का सांप है ये आपके वाक्य प्रयोग में आ चुका है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है। यानी कि मैंने राजेश से कहा था कि महेश कपटी मित्र है, मगर वह सावधान ना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अच्छा, दूसरा देखिए है, दूसरा है कुत्ते की मौत मरना। तो देखिए, इसका अर्थ होगा बुरी तरह, बुरी तरह मरना। ठीक है, बुरी तरह मरना, तो कुत्ते की मौत मरना यानी कि बुरी तरह मरना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। देखिए, आप वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपके वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, वह निर्दयी, वह निर्दयी तो कुत्ते की मौत मरा। ठीक है, कुत्ते की मौत मरा। ठीक है, तो वह निर्दयी तो कुत्ते की मौत मरा। तो देखिए, कुत्ते की मौत मरना आपके इस वाक्य में आ चुका है, आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है, समझ में आ रहा है। ऐसे तीसरा देखिए हमारा है, तीसरा है 3-5 करना। ठीक है, इसका अर्थ है बहाना बनाना, बहाना बनाना। ठीक है, या इसका अर्थ आप एक और लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं इधर उधर की बात करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। चलिए, वाक्य प्रयोग, ठीक है, वाक्य प्रयोग, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक स्केच का यूज करना है, ब्लैक ब्लू का, आपको इस कलरफुल स्केच नहीं यूज करना है। ठीक है, कलरफुल पेन भी आपको नहीं यूज करना है। तो देखिए यहां पर है 3-5 करना, यानी कि बहाना बनाना, वाक्य प्रयोग करेंगे। काम करने, काम करने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है तो 3-5 मत करो। ठीक है, तो 3-5
मत करो। तो 3-5 करना यानी कि बहाना बनाना। तो देखिए, काम करने का मन नहीं है तो 3-5 मत करो, यानी कि काम करने का मन नहीं है तो बहाना मत बनाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। तो देखिए, 3 मैंने आपको मुहावरे बताए। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा दूसरे टॉपिक से होगा। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद, ठीक है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो संधि विच्छेद से होगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन है प्रभोदयः का संधि विच्छेद है, तो आपको प्रभोदयः का सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला संधि विच्छेद यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, का है प्रभुधन उदय, खा है प्रभोधन दया, गा है प्रभधन उदय, घा है प्रभाधन उदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रभाधन उदय, ठीक है। प्रभोदय का संधि विच्छेद होगा प्रभाधन उदय। तो देखिए, हमारा पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि पावनः का संधि विच्छेद है, पावनः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है पोधन अनह, खा है पौधन अनह, गा है पाधन वनह और घा है पावधन नह। तो देखिए, पावनः है, पौनः अगर होता तो हम इसको सही करते, लेकिन पावनः है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। अगर पा पर आ का मंत्र ना होगा, ना होता, पौनः होता तो हम लोग का वाला ऑप्शन चूज करते, ठीक है, लेकिन आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममतालयः का संधि विच्छेद है, यानी कि ममतालयः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है मम धन तालयः, खा है ममता धन लयः, गा है ममता धन आलयः, घा है ममताल धन यः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, ममता धन आलयः, ये ममतालयः का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, 3 क्वेश्चन हमने पढ़े संधि विच्छेद के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा, ठीक है। जैसे देखिए, 7वां क्वेश्चन है आदि आदि। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसका मीनिंग आपको चूज करना है, आदि आदि, ठीक है। तो जो पहले है उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में है उसका मीनिंग बाद में। अब आपको ये इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा मीनिंग इसमें सही है, ठीक है, कौन सा अर्थ इसका सही होगा, ठीक है। तो का है सब और आंत वाला, खा है प्रारंभ और आदत वाला, गा है आंधी और खाने वाला, घा है आना और रुकना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रारंभ और आदत वाला, ठीक है। यानी कि आदि का मतलब होगा प्रारंभ और आदि का मतलब होगा आदत वाला, ठीक है। तो जो पहले है उसका अर्थ पहले आपको लिखना है, ठीक है, पहले उसका अर्थ लिखा होगा। 8वां क्वेश्चन है ससधर ससिधर, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बट इसका मीनिंग आपको बताना है। का है खरगोश और शंकर, खा है किसान और चंद्रमा, गा है शंकर और चंद्रमा, घा है चंद्रमा और शंकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का खरगोश और शंकर, यानी कि ससधर का मतलब खरगोश, ससिधर का मतलब शंकर, ठीक है। तो ये का वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सर सर, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है शोर और शांति, खा है तीव्र और मंद, गा है प्रकाश और अंधकार, घा है तीर और तालाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, तीर और तालाब, यानी कि सर का मतलब तीर, सर का मतलब तालाब, ठीक है। तो घा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। इसका मतलब क्या, पर्यायवाची शब्द, जैसे आप लोग पढ़ते हैं जिसके अर्थ अनेक हो। जैसे देखिए, 10वां है नदी। अब नदी को और हम किन नामों से जानते हैं, तो इसे सरिता भी कहते हैं, सरिता भी कहते हैं, दरिया भी कहते हैं, ठीक है, नदी को। उसके बाद में किसी तरल पदार्थ की बड़ी धारा, किसी तरल पदार्थ की बड़ी धारा, ठीक है, बड़ी धारा। तो ये आप लोग नदी को इन सभी नामों से भी जानते हैं, यानी कि इसके अनेक अर्थ हैं, ठीक है। ऐसे ग्रामा देखिए, दाम, दाम को और हम किन नामों से जानते हैं, मूल्य, ठीक है, द्रव्य, समूह, माला, ठीक है। तो इन नामों से भी हम दाम को जानते हैं, ठीक है। 12वां हमारा योग। योग को और हम किन नामों से जानते हैं, देखिए योग को हम व्यायाम भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसी शब्द के कई अर्थ हैं, व्यायाम, जोड़, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, उसके बाद में योग्यता, इन सब नामों से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है, समझ में आया तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये तो आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम अपठनीय कहेंगे, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे हम अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे अंडे से जन्म लेने वाला, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अंडज, ठीक है, अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले को हम एक शब्द में कहेंगे अंडज। ऐसे 14वां नंबर देखिए, जिसकी कहीं भी अंत ना हो, जिसका
कहीं भी अंत ना हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अनंत। ठीक है, अनंत का मतलब जिसका कहीं अंत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात उसे हम लोग कहते हैं एक शब्द में चेतावनी, ठीक है, वार्निंग। समझ में आया, तो इसको हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाक्य संशोधन से, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्यों में जो गलतियां हैं उसको संशोधित करके लिखिए, उसको शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इस वाक्य में कुछ गलती है वो आपको सही करके लिखना। ठीक है, जैसे देखिए, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। अब इसमें गलती क्या है, अगर आप श्रेष्ठ होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। देखिए सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, रमेश श्रेष्ठ है, आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ जो है ये खुद में बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि श्रेष्ठ शब्द ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो बहुत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है। 17 नंबर देखिए, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने का मतलब कई लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े। ठीक है, जोड़ा के स्थान पर लिखेंगे जोड़े। ठीक है, अगर उन्होंने के स्थान पर उसने होता तब तो जोड़ा सही था, उसने मेरे सामने हाथ जोड़ा, लेकिन उन्होंने है, इसका मतलब कई लोग हैं, तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े। ठीक है, इस प्रकार से। 18 नंबर देखिए, मुझे भारी दुख हुआ। तो देखिए दुख के लिए हम भारी नहीं यूज करते, दुख के लिए हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो भारी के स्थान पर आपको लिख देना है बहुत, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। समझ में आया 18 नंबर क्वेश्चन भी। तो यहां पर मैंने आपको 6 अलग अलग टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन बताया, यानी कि टोटल आपको 18 क्वेश्चन मैंने बताया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, देखते हैं कितने स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छी हुई थी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाएं, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।